कुछ जानना चाहो तो फोन छोड़ दो। ओके, न्यू कॉम्पोजिशन जहाँ हम बात कर रहे थे ओके वेल फ्रेमलेट समझ में आ रहा है। हाँ, एक और चीज को हम मद्देनजर रखेंगे, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, ये स्क्वायर पिक्सल होगा। क्यों? अगर कुछ भी चेंज होगा, फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर ड्रॉ कर रहे होगे, वो आपको स्क्वायर नहीं माइन्यूट सा रेक्टेंगल दिख रहा होगा। आप सर्कल ड्रॉ कर रहे होगे, वो हल्का सा स्फीयर दिख रहा होगा, एलिप्टिकल। क्यों? क्योंकि आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है यानी कि 1:1 वो चेंज हो चुका होगा। तो आपको हमेशा स्क्वायर पिक्सल रखने हैं ताकि आप हमेशा रेशियन प्रोपोर्शन में, ठीक है। एक चीज, ये रेजोल्यूशन जो है ये आपके लिए, ये आपके प्रीव्यू के लिए। जब आपके पास बेपना लोड आना शुरू हो जाएगा आपके पैक्स में, जब आप थर्ड पार्टी प्लानर्स को यूज कर रहे होंगे, तो आप प्रीव्यू देखने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो एट अ टाइम रेंडर करके नहीं दिखा पा रहा होगा। तो हम लो रेजोल्यूशन में जाना शुरू हो जाता है ताकि स्ट्रेस फ्री हो ग्राफिक कार्ड और हम अपनी एनिमेशन को देख सकें या सिमुलेशन को देख सकें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्वार्टर पे भी हो, अगर हम रेंडर करते हैं फाइनल आउटपुट, तो वो क्वार्टर में नहीं आएगा, वो अपना फुल ही रेजोल्यूशन पे रेंडर होगा, वो हमारे लिए एग्जैक्ट। और रेंडर का जब भी नाम आएगा दैट मीन्स आउटपुट, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो। एक और बात, जब तक हम 2D सॉफ्टवेयर में या जब तक हम नॉर्मल एनिमेशन में, तो हम डायरेक्ट वीडियो फॉर्मेट में रेंडर लेंगे। लेकिन अगर आपने सिमुलेशन की दी, पहली बात एनिमेशन और सिमुलेशन में फर्क क्या है? एनिमेशन जो आप मैनुअली कर रहे हो, सिमुलेशन जहां आप बकायदा फिजिक्स ऐड कर रहे हो, जहां वैल्यूज के साथ एयर वाटर ग्रेविटी ये सब चीजें ऐड हो रही हैं, जिनकी बकायदा प्रिंसिपल सप्लाइड हो रहे हैं, जो खुद ब खुद काम कर रहा है। जैसे समंदर की लहरें, वो हम बनाते नहीं है, वो सिमुलेट किया जाता है, पीछे से उसको थर्ड पार्टी फोर्स दी जाती है, तो वो लहरें बनना शुरू हो जाती है। अगर इस टाइप पर हम कभी भी काम करेंगे, तो हम कभी भी अपने फाइनल आउटपुट को वीडियो फॉर्म में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जब वीडियो बन रही होती है, आई मीन रेंडर हो रहा होता है, तो आखिर में वो कंप्रेस होती है। अगर कहीं बीच में भी आपका कोई भी ऑप्शन, कोई भी चीज रिमोट देना कुछ रुक जाए अगर, तो आप ये बेसिक सा एनिमेशन को बेयर कर सकते हो या रीडू कर सकते हो। लेकिन सिमुलेशन या जब हाई लेवल पे आपकी एनिमेशन होंगी, आप उसे कभी भी वीडियो फॉर्मेट में रेंडर नहीं करोगे, आप सीक्वेंस में रेंडर करोगे। सीक्वेंस मीन्स नंबर ऑफ पिक्चर, वो पिक्चर्स में कलर रेंडर हो, और फिर वही पिक्चर वापस आप कॉल करोगे और फिर उसको वीडियो में कन्वर्ट करोगे। ये एक प्रोफेशनल वे है बड़े लेवल की बड़ी एनिमेशन को काम करने, कि आप क्रैश ना करें, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश ना करें, आप चीज़ें हो नहीं हो, खराब नहीं हो जाए, आपकी फाइल करप्ट ना हो जाए, आपको सॉफ्टवेयर करप्ट ना हो, आप बीच में ना पहुंच जाए, कराना जरूरी है। और इसका जरूरी ये भी है, क्योंकि जब हम 3D में काम करेंगे, 3D-4D में, तो हमें वहां से भी जो रेंडर लेना होगा, वो सारे का सारा सीक्वेंस। कल को अगर आप कोई भी नाम सुनते हो, सीक्वेंस रेंडर करेंगे मींस पिक्चर बेस्ड रेंडर, वीडियो कभी भी नहीं, राइट। आ जाओ यहाँ पे स्टार्ट फ्रेम। एनिमेशन हमेशा जीरो से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि हो सकता है जैसे मूवी या कोई भी सीन, कोई भी पार्ट, वो भी पीसेस में बनता है। 10 लोग बैठे हुए, मैं 10वें नंबर
मेरा स्टार्ट टाइम 10 मिनट के बाद होगा, सपोज 12 मिनट के बाद होगा, जो भी टाइम अलॉट किया गया होगा मुझे, जो भी पार्ट अलॉट किया होगा। अगर टोटल 10 मिनट की एनिमेशन है तो मेरा टाइम आएगा 9 मिनट से लेकर 9 से 10 मिनट की, यानी कि 1 मिनट की मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, तो मेरा स्टार्ट टाइम जो होगा वो 9 मिनट होगा। क्यों? क्योंकि जब ये सारे पीसेस, सारे चंक्स जो है ये कंपाइलर में जब एक मेन सोर्स पीसी में लिए जाएंगे तो वो खुद प्रॉपरली स्टैक हो सकते हैं, और जब वो स्टैक हो जाएंगे तो वो ऑटो रेंडर हो सकते हैं सीक्वेंस पर। वरना बैठ के एक बंदे को सीक्वेंस सेट करनी होगी और यहाँ मैन मेड एरर हो सकता है, वापस सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपका टाइम क्या होगा। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको पता है फिर जीरो से स्टार्ट हो, नंबर वन। नंबर टू, एक मिनट, इन्हें मैं क्लोज करता हूँ प्रोजेक्ट को, अब फिर से लेता। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी यहाँ पहले 0000 आ रहे थे सर, एक्चुअल ऐसा नहीं आता, आता है ऐसा टाइम कोड, मीन यहाँ जो मल्टीपल है तो राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, ये दो फर्स्ट डबल ओ फ्रेम्स को बता रहे हैं ये कितने फ्रेम, 24 फ्रेम मिलेंगे तो सेकंड्स बनना शुरू होंगे, या फिर मिनट्स एंड आवर। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखो, एनिमेशन जब भी की जाती है वो कभी भी टाइम कोड स्टैम्प में नहीं होती, ये स्टैम्प कहलाता है, यानी कि सेकंड और मिनट। एनिमेशन हमेशा फ्रेम बेस्ड की जाती है, फ्रेम्स के साथ स्टैम्प बेस्ड में। थोड़ा सा इसका भी एक अलग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है जिसको हम आगे चल के देखेंगे। मीन्स हमें डे वन से ही खुद में आदत डालनी होगी कि हम फ्रेम बेस्ड एनिमेशन, टाइम बेस्ड। और इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने कहा था 8 मिनट, और वो मैंने क्या किया, हमने सिंपल अभी दो चीजें रहती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे जाके, ओके किया, ये प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो गया, और जस्ट कंट्रोल प्रेस करके आपकी टाइमलाइन में जो स्टैम्प आ रहा है, स्टैम्प कोड कहलाता है ये प्रोफेशनली, कंट्रोल प्रेस करके सिर्फ एक बार टैप करोगे, क्लिक करोगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेम्स, और अब आपको सब कुछ फ्रेम्स मिल जाएगा। और फिर मैंने जाके इनको फाइल में क्लोज कर दिया था, प्रोजेक्ट आपको समझाने के लिए स्टैम्प में ले आया था, और अब आप देखो आपके पास टोटल स्टार्ट टाइम कोड भी, ड्यूरेशन भी, यानी कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर एनिमेशन फ्रेम्स। और आपको पता होना चाहिए एक एनिमेटर के पास दो चीज़ें जरूर होती है, एक उसकी स्केच बुक, दूसरा उसके पास कैलकुलेटर या उसके पास अपनी कैलकुलेशन पावर। तो उसको पता होगा फॉर सपोज 24 FPS, 24 सेकेंड, 24 फ्रेम पर सेकेंड की एनिमेशन कर रहा हूँ, तो अब मुझे 10 सेकेंड की एनिमेशन करनी है, मीन्स 240 बन रहा है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 10 सेकेंड, तो ड्यूरेशन बना 240 फ्रेम्स। समझ में आ रही है? तो अब ड्यूरेशन में जस्ट 240 टैप करेंगे, बाकी वो खुद देख, तो एक एनिमेटर को अपना ड्यूरेशन भी पता होना चाहिए कि वो कितने ड्यूरेशन के लिए क्या काम कर रहा है। नो डाउट बहुत स्टार्टअप पे तो आप ड्यूरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कितनी सेकंड्स की एनिमेशन होनी चाहिए, एक पिक्चर कितनी देर में दिखे, खत्म हो जाए, कितना स्टे करे, कितना होल्ड दिखाए, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आगे चला जाएगा जितने हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड द लास्ट थिंग, आपका बैकग्राउंड कलर यूजली वी डोंट डिस्टर्ब, क्योंकि हमें ब्लैक मिल जाता है, और ब्लैक हमें शायद याद हो अल्फा कलर है, की हो जाता है, की आउट हो जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए बेस्ट रहता है। वैसे यहाँ जो भी कलर हो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेट्स गो विद द रेड। ये सिर्फ आपको दिखेगा जैसे आप इलस्ट्रेटर में व्हाइट आर्ट बोर्ड देखते हो, या फोटोशॉप में वाइड आर्ट कैनवस देखते हो, सॉरी, ऐसे आपने चेंज कर लिया अपने बैकग्राउंड कलर को,
वंस यू डन विद दिस ऑल, हम एडवांस की बात नहीं कर रहे, ये कुछ दिनों बाद की बात है, या हम 3D रेंडर की बात नहीं कर रहे, ये बहुत बाद की बात है। तो हम बेसिक से ही जब हम कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई हमने HD रेडी लिया है, जैसे होता है ना यूट्यूब पे 720, तो वो HD रेडी है, वो HD नहीं होता। उसके बाद जब 1080 आता है वो HD स्टार्ट होता है, फिर 2K, 4K, 8K एंड सो ऑन। सो वी आर गोइंग विद द HD3 हाई डेफिनेशन वीडियो एंड टेलीविजन 720। अच्छा यहाँ इसके आगे लिखा है 25, हमने ये बात की 24 FPS, क्यों? क्योंकि वो जीरो को भी एस डिजिट कंसिडर करता है, तो उसके पास 24 + 1 25 फ्रेम्स हो रहा है। तो हम इनको लेंगे लेकिन हम अपनी ईज के लिए 24 कर देंगे, और जैसे आप कुछ भी कस्टमाइज करोगे यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ देगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट ये क्या हो गया क्या। आपको पता होना चाहिए क्या क्या कर रहे हो, क्या इम्पैक्ट आएगा और उसको कैसे यूज कर। Are we good enough with this one? Shall we move on? कोई confusion यहाँ पे, कोई सवाल, सब easy है, right? So, okay करते हैं और project activate करते हैं, अपने After Effects को activate करते हैं और कुछ गुफ्तगू को और देखते हैं। हमने red कर दिया था, हमें red दिख रहा है, black होता है black दिखता है, जैसा करते बस। So, This thing gonna disturb me personally, sir. अगर आप अपने कॉम्पोजिशन को चेंज करना चाहो, मॉडिफाई करना चाहो, आप कॉम्पोजिशन में जाओ ऊपर, इस बार न्यू कॉम्पोजिशन में डेफिनेटली कॉम कार्ड है। कॉम्पोजिशन को शॉर्ट प्रोफेशनली कॉम कहा जाता है, ठीक है? कॉम सेटिंग्स, वी आर हियर, दिस चेंज है एज यू वांट। फुल ब्लैक लेना नहीं चाहूंगा, ओके, ठीक है। आप चाहो अपने ड्यूरेशन को चेंज करना, आप चाहो अपने स्टार्ट टाइम को चेंज करना, आप चाहो फ्रेम रेट को चेंज करना, आप जिस चीज को चेंज करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। एक और चीज देख लो, अपने C4D में 360 एंड 90 डिग्री 3D LED बिल्कुल डिग्री एलईडी 3D एलईडी बिलबोर्ड एनिमेशन जो हमारे पास यहाँ तो नहीं है लेकिन इंटरनेशनली बहुत ज्यादा है नहीं है, जो कॉर्नर एनिमेशन होती है 3D एनिमेटेड वीडियो ऐसा अच्छा बाहर निकल के आ रहा है, मैंने देखी है, उसे एनिमेटेड वीडियो कहते हैं और उसको भी देखेंगे फिर जब हम सिनेमा 4D होंगे। तो ये बात कहाँ से एकदम से मेरे ध्यान में आ गई, क्योंकि फिर हमें अपने कॉम्पोजिशन को कुछ अलग वे में चेंज करना मीन आपको फ्रंट से अलग दिख रही होगी, साइड से अलग दिख रही होगी, और वो मल्टीपल आपकी जो कॉम्स होंगी उनको एडजस्ट करके एक यूवी कॉम बनाना होगा, वो आगे की बातें करेंगे। तो वो कॉम से ही मुझे याद आ गया। वेल, अब कुछ बात करते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर के UI जो अहम, सबसे अहम बात है अपने टाइम लाइन को समझना। पैक डेज में आपने रेडियो कोशो यूज नहीं किया होगा, लेकिन पहले रेडियो में या गाड़ी में भी आजकल रेडियो जो होता है पुराना, तो उसमें एक ऐसा प्ले हेड दिखता है आपको जिसको हम घुमाते रहते हैं, वो स्टेशन पकड़ता रहता है, एक सुई भागती रहती है, यहाँ वो जो सुई है एक्चुअल वो ये वाली है, ये जो ब्लू लाइन है जिसे हम कहते हैं प्ले है, जहां ये होगा वहां एनिमेशन, वहां की एनिमेशन ये हमें इस जगह पर दिखा रहा होगा। आपको जहां एनिमेशन करनी होगी मैनुअली आपको पहले अपना प्ले हेड सेट करना होगा उस रिस्पेक्टिव टाइम पर, और फिर आप एनिमेशन एग्जीक्यूट करें। ऐसे ही नहीं, आप सोचो भाई एनिमेशन नहीं हो रही, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत मुमकिन है कि मैं गलती कर रहा हूँ कि मैं अपने प्ले हेड के साथ काम नहीं कर रहा। मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेक अ लुक, अभी ये नहीं समझो कि क्या क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो मैं समझाऊंगा, बस समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे इस वक्त एक बेसिक सॉलिड ले लेते हैं,
अब इनको अगर एनिमेट करना है, फॉर सपोज इनको हम यू ही एनिमेट करना चाहते हैं क्वेश्चन पर, तो अब देखो एनिमेशन क्या है, ये जीरो फ्रेम, देखो जीरो फ्रेम यहाँ पे एक की लगाई है, इस की को समझना जरूरी है। नेविगेटर, नेविगेटर नहीं है, अच्छा मैग्नेट, ये देख रहे हो डायमंड शेप, इसे कहते हैं की फ्रेम। ये की फ्रेम करता क्या है, ये रिकॉर्ड करता है आपके ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मींस एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, आपके पैरामीटर्स को लॉक करेगा, यहाँ सेव करेगा इस रिस्पेक्टिव टाइम में। और अगर इन पे आप होवर करें यानी कि माउस रख के छोड़ें, तो आप देखें ना 0000 यह हमें दिखा रहा है हमारा फ्रेम, और उनके साथ उन्होंने दिखाया एक्स की वैल्यू 140 समथिंग के टू एंड 374। इन्होंने इस जगह पे जीरो टाइम कोड पे कुछ इस ऑब्जेक्ट का, कौन से रेड सॉलिड वन ऑब्जेक्ट का एक पैरामीटर लॉक कर दिया, एलओजी लॉक। और फिर मैंने प्लेहेड पहले जीरो पे रखा था, अब मैंने प्लेहेड, मैंने चाहा ऐसा कि ये बॉक्स कुछ आधे सेकंड में, आधे सेकंड का मतलब हो रहा है 12 फ्रेम, ऐसा ही है ना, 24 फ्रेम पर सेकंड, तो आधा सेकंड 12 फ्रेम। तो मैंने चाहा 12 फ्रेम में ये बॉक्स उठ के चल के यहाँ पहुंच गया, मैंने चाहा 12 फ्रेम, आधा सेकंड 12 फ्रेम बन रहा है। तो हमने पहले प्लेहेड को मैनुअली 12th पे लाके ड्रॉप किया, एंड वी कैन सी राइट हियर, एंड वी कैन सी राइट हियर एज वेल। अगर नहीं, मैं ऐसे खुद यू यू नहीं करना चाह रहा, मत करो, आप इस जगह पे अपने टाइम कोड पे टैप करो, यू गोना आस्क यू वेयर यू गोना मूव, जस्ट चलन कर, जंप करना है ऊपर प्ले हेड। और अब इसके बाद आप इनको या तो फ्री स्टाइल मैनुअली क्लिक करके ड्रैग करके ले जाओ, नो इफ यू डोंट वांट दैट, आप यहां से एक्स एक्सिस पे क्लिक करो एंड ड्रैग इट वेयर यू वांट इट। देख रहे हो एक और की आ गई डायमंड शेप, ये एक और टाइम को और एक और पैरामीटर को लॉक कर रही है, मीन इन पे होवर करो। अब देखो 12 फ्रेम, और इन्होंने 11.80 एंड 374 एक पैरामीटर को लॉक कर लिया है। अब जब हम इनको ऐसे चलाएंगे तो हमें एनिमेशन दिखेगा, ये है सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि एनिमेशन होती क्या है और प्लेहेड और टाइमलाइन होता क्या है। टाइमलाइन आपको बताएगा टाइम की वैल्यूज, ये लेयर है, बात बात करेंगे, ये जो है डायमंड शेप, ये आपकी की है KEY, जो स्टोर कर रही है वैल्यूज को, आपके पैरामीटर्स को और आपके टाइम लॉक। और जब वहां प्लेहेड गुजरेगा तो आपको वो इफेक्ट दिखेगा। अब इसके बीच में आप देख रहे हो 1 2 3 4, ये वो पिक्चर्स खुद बन रही है, जिसे प्रोफेशनली हम कहते हैं मोशन ट्वीन। इन दोनों की के बीच में मोशन ट्वीन हुआ है, मींस मोशन ब्लाइंड हुआ है, ये दोनों वैल्यूज, ये दोनों पैरामीटर्स आपस में ब्लाइंड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एडोबी इलस्ट्रेटर में आपके पास ब्लाइंड टूल हो रहे थे, वो आपको वैल्यूज भी दिखाता है कि कितने स्टेप में ब्लेंड हुआ, तो ये वही ब्लेंड हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपको स्टैटिक दिख रहा था, यहाँ पे मोशन वेव में नहीं है। इसलिए अब चीजों को समझना शुरू करते हैं। अब आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्ले हेड क्या होता है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा
कि भाई ये टाइमलाइन होती क्या है। आपको सिर्फ ये समझना बहुत जरूरी है, और जो पूरे एनिमेशन की लास्ट स्टेप है जो आपको इजी कर देगा सारे का सारा आज के बाद से एनिमेशन, वो है आपका लेयर को समझना। और ये लेयर समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आपको पहले से कॉन्सेप्ट है लेयर होती क्या है। और लेयर क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारे वे हैं। आप सबसे पहले तो अपने मेन्यू बार में देख सकते हो लेयर पैनल, तो सिंपल क्लिक करोगे किस टाइप की लेयर चाहिए। हाँ, यहाँ इस सॉफ्टवेयर में और अब से आगे के सॉफ्टवेयर में बहुत सारे अलग अलग किस्मों के लेयर होंगे। पहले तो आपके पास सिंपल एक शेप टैक्स होती थी, अब यहाँ पे लाइट भी है, कैमरा भी है, एडजस्टमेंट भी है, C4D के भी है, फोटोशॉप, बहुत सारे अलग अलग किस्मों की है। हमें आज कुछ ऐसा खास नहीं चाहिए, हम सिंपल सॉलिड लेयर ले रहे हैं। सॉलिड लेयर फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने एडोबी इलस्ट्रेटर में एक शेप लेयर क्रिएट कर, अब वो कैसी भी हो सकती है, राइट। तो हमने कहा सॉलिड लेयर, और इन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपको जो सॉलिड लेयर चाहिए किस स्टाइल में चाहिए, आई मीन किस साइज में चाहिए, कितना, लाइक 1 इंच की चाहिए, 2 इंच की चाहिए, ऐसे ही यहाँ पे पूछा है। और अगर नहीं, आई एम नॉट श्योर मुझे कितनी बड़ी चाहिए, तो मैं मेक फॉर्म साइज करता हूँ, ये बटन है, यानी कि कॉम्पोजिशन का जो साइज होगा उस पूरे साइज के लेयर का। लेकिन ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन फाइन बड़ी लेयर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, हम ये देख लेंगे यूनिट पिक्सल्स है, फाइन, इंचेस मिलीमीटर नहीं, स्क्वायर पिक्सल्स, या फॉर श्योर कोई कलर रेस्पेक्टिव चाहिए, आप कलर दे दो इनको। वंस यू डन विद दिस, इस लेयर को मैनिपुलेट करने के बहुत सारे वे हैं। नंबर वन, वे से पहले ये समझ में आया कैसे लिया हमने न्यू लेयर। अब आप यहाँ लेयर में जाके लो, या फिर आप अपने लेयर एरिया में राइट क्लिक करो, न्यू, सेम थिंग इज राइट हियर, या फिर आप यहाँ राइट क्लिक करो अपने कॉम्प विंडो में, न्यू, ये वही ऑप्शन दिखाएगा, या फिर राइट क्लिक करो, अब यहाँ पे न्यू कॉम्पोजिशन आ रहा है, यहाँ पे न्यू लेयर का ऑप्शन नहीं है। तो आपको आपके लेयर पैनल में या कॉम्प विंडो में या फिर ऊपर लेयर के मेन्यू में ये बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे जो आपको चाहिए। और हम यहाँ से, क्योंकि इतना ज्यादा ड्रैग करके एक आर्टिस्ट एनिमेटर स्पेसिफिक नहीं कभी जाएगा, क्योंकि एनिमेटर एक तो नंबर वन इतनी सारी बात वो बात नहीं करेगा, उसे बस पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए कि उसको कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना। एनिमेटर के पास उसका अपना नोट पैड होना चाहिए, वो एनिमेशन पहले पेपर पे लिखेगा किसने से कितने टाइम कोड की कहाँ क्या एनिमेशन होगी, फिर वो उसको परफॉर्म करेगा। तो जब वो इतना डिस्ट्रैक्शन से बच रहा है तो वो कभी भी इतना ड्रैग करके नहीं जाने वाला। तो यहीं पे राइट क्लिक, न्यू एंड सॉलिड, राइट, बड़ी लेयर ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, ऐसे वही चीज बन रही है। अब समझना है और आफ्टर फैक्ट्स खत्म हो जाएगी कहानी हमारे से। अब हमें आज के बाद कभी परेशान नहीं करने वाला, वो है इसकी प्रॉपर्टी। यहाँ लेयर आ रही है, उसका नाम लिखा हुआ रहा है लाइम ग्रीन सॉलिड टू, टू वन क्यू, पहले रेड ली थी तो वन थी, वो चली गई, अब टू आ गई तो टू हो गई, फाइन। इनसे पहले देखो यहाँ थोड़ा सा एक पुल्ड अप मेन्यू और एरो आ रहा, सॉरी, और उनको जैसे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आया ट्रांसफॉर्म, और उनको अगर हमने ड्रॉप डाउन किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। नंबर वन, हम एंटर पॉइंट स्टार्ट नहीं करेंगे, हम पहले अपने मकसद की चीज देखेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द पोजिशन, ये लेयर कहाँ रखी हुई है, ऑब्वियसली पूरे डॉक्यूमेंट स्टाइल की है, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट दिख रहा है हमें, जैसे हमने इलस्ट्रेटर में और आप फोटोशॉप में देखा है हमेशा लेयर का, तो ये इसकी पोजिशन है। हाँ चलता है, लेकिन शोर करेगा, बेर है, कुछ नहीं हो रहा। पोजिशन, आप पोजिशन यहाँ से ड्रैग कर सकते हो क्लिक करके, अगर आपको पिक्सल्स मालूम है सिंपल टैप करके आप पोजीशन दे दो, आपकी मर्जी है। या फिर लास्टली आपके पास यहाँ पर आपका सिलेक्शन टूल है, आप ट्रैक करके ले जाओ कहीं पे भी पोजीशन को, आप जैसे चाहो। नंबर टू, स्केल कॉन्स्टेंट लॉक है, तो अगर मैं विद या हाइट में से किसी भी एक चीज को चेंज करूंगा दूसरी चीज ऑटोमेटिकली चेंज होगी, नहीं, अगर ऐसा नहीं चाहता अनलॉक करो और फिर रेस्पेक्टिव चेंज करो। तो जहां भी ये चेन दिखेगी, जैसे हम वहां पे में अपने कोई भी शेप चेन साइड पे बनी हुई आती, तो
वो यही चेन है फंक्शंस नाउ, राइट। तो कंट्रोल जी, ओके। एक और चीज है रोटेशन, इसमें दो वैल्यूज हैं, दो पैरामीटर्स हैं, दिख रहे हैं या मैं वो मैग्नीफायर खोलूं? सही है। अच्छा, इसमें समझना एक जरूरी बात है, ये जो नंबर वन है ये पूरे कंप्लीट 360 रोटेशन को शो कर रहा है, उसके बाद जो दूसरा वाला है वो नॉर्मल डिग्री को शो कर रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 180 डिग्री, 359 डिग्री। जहां 360 हो गया उसने अपना एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर, तो वो जो एक पूरा होगा वो वैल्यू यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक है, आई मीन यहाँ क्लिक एंड ड्रैग, अब देख रहे हो ये पूरा घूमा 180, और जहां ये 360 करेगा तो ये एक राउंड 359, एक राउंड कंप्लीट हो गया। हाँ एग्जैक्टली। तो अब अगर 45 तक घुमानी है, आपने यहाँ पे क्लिक करके 4-5 टैप किया, ये 45 पे रोटेट। एग्जैक्टली। एक और कॉपी ली, दूसरा कलर लिया उसी का, तो लेयर में उसका, और फिर उसको वहीं से रोटेट कर दिया मैं 45 से 90 डिग्री जितना भी करना है। तो ये दो जो आपके पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, इनसे हमें घबराना कभी भी नहीं है कि ये क्या है, हमें पता होना चाहिए ये पूरे कंप्लीट रोटेशन को शो कर रहा है और ये नॉर्मल रोटेशन को शो कर रहा है बिफोर द कंप्लीशन। नहीं, जितनी चाहिए। हो सकता है मुझे एक बहुत पुराना जमाना था ना, वो पिक्चर गोल घूमती भी आ रही है, तो 10 बार घूमती भी आ गई, तो मुझे 10 बार घूमती भी आई है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 10 टाइम, तो वो 0 से 10 टाइम घूमती भी आएगी। कैसे आएगी मैं दिखाता हूँ, कैसा फील कराता हूँ। बैक इन केडी क्लिक किया, ये क्या सब कुछ है मैं बाद में बताता रहूंगा, और मैंने कुछ देर में, क्योंकि एकदम से 10 टाइम घूम जाएगी हम परेशान हो जाएंगे, 10 टाइम। तो क्या हुआ, इस फर्स्ट फ्रेम पे इन पे 0 की वैल्यू, और जैसे ये चलती रहेंगी ये घूमती जाएंगी, ये पिक्चर आ रही है दूर घूमता हुआ आ रहा है बैक इन एरिया, जितना घुमाना है उसको। तो ऐसे ये वो रोटेशन का वो पहला यूनिट हमें शो कर रहा है। एंड द वेरी लास्ट थिंग इज कैपेसिटी। कैपेसिटी इंटेंसिटी है, जैसे आप देखते हो न्यूज में सर्कल होता है, वो एक बंदे पे घूम रहा होता है ऐसे यूं करते हुए, वो कैपेसिटी यही तरह से डकैती की, वो जो हुआ है ना वो किसी से हुआ, अब वो सर्कल कैसे आएगा, विल टॉक लेटर। अच्छा, लास्ट है हमारे पास, वो है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट आप मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि सेंटर पॉइंट, अब आप जब रोटेट करोगे तो वो यहां से रोटेट होगा। कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो हमें अगर इस लेयर को बिल्कुल सेंटर से रोटेट करना है, सेंटर पॉइंट को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ बॉटम से रोटेट हो, यानी कि इस एज से, इस कॉर्नर से कंट्रोल हो और ऐसे गोल घूमे, तो हमें अब ऐसे करके बहुत ही पेनफुल हो जाएगा, ये ऐसे करना और ऐसा करना ये बहुत पेनफुल है, राइट। इस चीज से बचने के लिए, वैसे देख लेते हैं ये रोटेट कर रहा है, हाँ ये ऐसे कर रहा है, नाइस, लेकिन इस चीज से बचने के लिए अंडू है, आप क्या करो, आपके पास टूल बार में थोड़ा सा दूर जाएंगे तो आपके पास आएगा पेन बिहाइंड टूल, यानी कि ये आपका फॉर एन एग्जाम्पल एडोब इलस्ट्रेटर में रोटेट टूल है, वहां आर थी शॉर्टकट की, यहाँ वाई है शॉर्टकट की, आप वाई प्रेस करोगे पेन बिहाइंड टूल में जाओगे और जस्ट इनको पकड़ोगे, जहां लेके जाना है वहां लेके जाओ, इस बार मेरा मूड यहाँ का है, रोटेट कर, विंड मिलके पंखे घूम रहे, समझ में आ रही है कहानी है। अच्छा, अब इन सब की शॉर्टकट की आपको मालूम होनी चाहिए, इन सब की, ए फॉर एंकर पॉइंट, पी फॉर पोजिशन, A for anchor point, B for position, S for scale, नहीं, हाँ, R for rotation और T for opacity,
पता होना चाहिए, लेकिन इसको यूज करने का भी एक वे टी टी एक ना टाइगर वापस आने बैठ। अब देखो इसका यूज करने का बहुत सिंपल वे है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें ओपेसिटी चाहिए, ओके तो अब हमने अगर टी प्रेस किया तो देखो सिंपल ओपेसिटी है। मैं चाह रहा हूँ कि चलो ओपेसिटी तो आ गई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पोजीशन भी चाहिए, तो अब हम टी प्रेस करेंगे राइट। तो देखो ओपेसिटी चली गई, हमें दोनों साथ चाहिए या अब इसके साथ और भी मजीद कुछ कुछ चाहिए, जो भी चाहिए हम शिफ्ट प्रेस करके दूसरी शॉर्टकट की यूज करेंगे लाइक पी पोजिशन टी शिफ्ट टी ओपेसिटी शिफ्ट आर रोटेशन। शिफ्ट के साथ यूज करेंगे वो आदमी है शिफ्ट के साथ लाइक शिफ्ट पी चला गया इजी जॉब। आ जाओ फिर एक नहीं देखो ये मैन्यूज है लेयर वो शो हो रहे हैं या हाइड हो रहे हैं, जो एनिमेशन हुई रखी हुई है वो रखी रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ उसका ऑप्शन जो है वो हाइड हो गया, चला नहीं गया हाइड हो गया। हाँ हाइड हो गया, अभी विजिबल है अभी छुपा दिया आपको नहीं देखना वो अभी, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज के साथ अपने एटीट्यूड को रखा हुआ और वो एक्शन में वो काम भी करेगा। ओके आ जाओ नाइस। अब एक बेसिक एनिमेशन करते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करो और समझो कि आपने कैसे ड्राइव करना है सॉफ्टवेयर। तो आपके पास आज वैसे कुछ खास टूल की नीड नहीं है, आपको एक ही टूल रिक्वायर्ड है दैट इज सिलेक्शन द लास्ट। हम लेते हैं राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड लेयर और ट्राई करते हैं 100x100 पिक्सल्स के एक स्क्वायर बॉक्स, और हमें सिंपल एक चीज ट्राई करनी है, आप इनको कहीं पे भी रख लो नो प्रॉब्लम, सिर्फ पी प्रेस कर रहे हैं पोजिशन। आप खुद को कमांड दोगे कि ये बॉक्स 0 फ्रेम से 20 फ्रेम में कहीं चला जाए, कहीं पे भी मीन्स 0 फ्रेम पे प्ले हैड है। ये जो आप देख रहे हो स्टॉप वॉच, ये एनिमेशन एक्टिवेट के लिए होता है जिसे हम कहते हैं ऑटो की। ऑटो की क्या, एक बार इसको सिर्फ एक बार क्लिक करना है ये एनिमेशन स्टार्ट हो गई, वो डायमंड शेप बना हुआ आ गया आपके पास और यहाँ पे भी वो डायमंड शेप एक्टिव दिख रहा है। अब मैंने कहा थोड़ी देर में 30 फ्रेम, थोड़ी सी देर, और हमने इनको सिर्फ पकड़ा ये ऑटो की। अब अगर मैंने क्लिक कर दिया तो जितनी भी एनिमेशन की वीडियो की सब डेड हो जाएगी। लेट मी शो यू हाउ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देख रहे हो एक बार ऑटो की लग गई, अब एनिमेट तो हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि भाई मेरी एनिमेशन हो चुकी और अब मुझे एनिमेशन नहीं करनी तो सही है नहीं करो, लेकिन इसका ऐसा हरगिज मतलब नहीं कि आप इनको आगे क्लिक कर दो। देख रहे हो वो की चली गई, वो एनिमेशन डेड हो गई। अगर अवेलेबल है तो कर लो, लेकिन अगर आपने नहीं बिल्कुल आपने सारी एनिमेशन को किल कर दिया जितनी पिछली थी, अभी कंट्रोल दैट का ऑप्शन है तो सही, लेकिन आप स्पीड में आगे बढ़ गए, अब कंट्रोल दैट नहीं है देन व्हाट वी गोना डू। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में हमेशा रखना है कि एक बार ये स्टॉप वॉच ऑन होगी और इसके बाद ये ऑफ नहीं होगी, ये ऑन ही रहेगी। ये खत्म हो गया। यू नीड एन अदर की, जस्ट अ सिंपल वन।
अनदर वन लाइक आपने वापस अब वापस लेके जाना है 30 फ्रेम के बाद या जितने भी फ्रेम के बाद आप अपने प्ले हेड को वहां लेके जाओगे, आपने अपने स्टॉप वॉच को नहीं छेड़ना है, जस्ट ऑब्जेक्ट को अगर सेम प्लेस पे लेके जाना